हेलो दोस्तों, हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर हमने एक और चैनल शुरू किया है, वाव मूवीज़। इसमें हम मेनली इटालियन और फ्रेंच मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चैनल को ग्रो करने में हमें आपकी हेल्प मिल जाएगी। इस फिल्म की शुरुआत होती है इस खूबसूरत लेडी से। फिलहाल वो रेस्टोरेंट में बैठी अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतज़ार कर रही है। इसका नाम कैसी है। कैसी की कहानी बड़ी अलग है। 6 साल पहले उसने अपने बेस्ट फ्रेंड वॉली को डेट करना शुरू किया था। अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। दोनों अक्सर अपनी शामें साथ में बिताते थे, एक साथ ड्रिंक पर जाते थे, साथ में चुंबन क्रिया करते थे और रात को गपागप करते थे। पर 6 सालों में इनका रिश्ता अब टूट चुका है, अब सिर्फ दोस्ती रह गई है। कैसी को वॉली पसंद नहीं आता, बॉयफ्रेंड के तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं। इतने में वॉली को देखते जो कि मेट्रो में ट्रेवल करता हुआ आज न्यूयॉर्क इस रेस्टोरेंट में पहुँचा है। दरअसल कैसी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ आते ही कैसी एक बड़ा सा बम फोड़ती है। वो कहती है कि वो माँ बनना चाहती है। पहले तो वॉली को लगा कि कैसी उसके साथ रीयूनाइट होना चाहती है और उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है, पर कैसी इस बात से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे शख्स का बेटा नहीं चाहिए। तुम बड़े न्यूरोटिक हो, तुम में सेंस नहीं है और तुम बड़े अनप्रडिक्टेबल हो। मुझे एक हैंडसम और समझदार आदमी का स्पर्म चाहिए जिसके बच्चे को मैं जन्म दे सकूँ। इसके बाद कैसी ने अब तलाश शुरू कर दी है उस शख्स को ढूंढने की जिसके बच्चे की वो माँ बनेगी। एक पार्टी में वो एक शख्स से मिलती भी है, डेक्लान। डेक्लान को उसने पसंद भी कर लिया है, पर वॉली ने आकर डेक्लान को रिजेक्ट कर दिया। पहले तो वो कैसी को अकेले में ले जाता है और उससे कहता है कि ये शख्स उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और बाद में डेक्लान को यहाँ से खदेड़ देता है। इस बात पर कैसी वॉली पर गुस्सा उतारती है और वो अकेले ही टैक्सी में बैठ कर चली जाती है। पर कैसी ने हार नहीं मानी। 2-3 हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि कैसी ने एक पार्टी शुरू की है। ये पार्टी खुशी की है। उसने एक शख्स को ढूंढा है, इसका नाम रोलैंड है। रोलैंड काफ़ी हैंडसम है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और इन सब के साथ ही वो शादीशुदा भी है। पर कैसी को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस स्पर्म चाहिए जिससे वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। यहाँ वॉली रोलैंड से मिलता है, उसे रोलैंड पसंद नहीं आया। ये बात वो कैसी से मिलकर कहता भी है, पर कैसी कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे रोलैंड पसंद है तो पसंद है। इस दौरान वॉली बाथरूम में जाता है। यहाँ वो डब्बा रखा है जिसमें कि रोलैंड ने अपना स्पर्म डाला है। वॉली इसका मजाक उड़ाते हुए इसके साथ खेलना शुरू करता है। वो बड़े नशे में है। नशे में वो इसका ढक्कन खोल देता है और इस ढक्कन ने ढक्कन खोलकर इसके अंदर का स्पर्म यहाँ सिंक में स्पिल कर दिया। वॉली अपने आप से कहता है कि मैं कितना बड़ा ढक्कन हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब एक ही रास्ता है, पर इसके लिए उसका मूड भी तो बनना चाहिए। वो इधर उधर देखता है या उसे कुछ मैगजीन्स मिलती हैं। इनमें वो सबसे अश्लील मैगज़ीन को निकालता है। इसमें उसने एक एक्ट्रेस को देखा है, सॉयर को। उसे देखता हुआ यहाँ पर वो हस्त मैथुन करता है और फिर अपने स्पर्म को उसने इस डिब्बे में डाल दिया है। इस तरह उसने अपनी जान तो बचा ली पर आने वाले टाइम के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कैसी अब प्रेगनेंट है। वो वॉली से कहती है कि अपने बच्चे को वो मिनेसोटा में जन्म देगी, अपने होम टाउन। ये सुनकर वॉली उदास हो गया है। उसने कैसी को रोकने की कोशिश की पर कैसी नहीं रुकी। उसे अपना बच्चा न्यूयॉर्क जैसे शहर में नहीं पालना बल्कि एक छोटे से शहर में पालना है, और इसीलिए वो मिनेसोटा चली गई। कहानी अब 7 साल आगे जाती है। अचानक से कैसी ने वॉली को फ़ोन किया है। वो कहती कि मैं वापस न्यूयॉर्क आ रही हूँ, मेरा बेटा सेबेस्टियन अब 7 साल का हो गया है। इस तरह ये रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वॉली जब सेबेस्टियन को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वो बिल्कुल उसके जैसा है, उसकी हरकतें भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। कैसी रोलैंड से मिलती है। रोलैंड बताता है कि उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, यानी अब कैसी की लाइन खाली है। रोलैंड भी अब कैसी के लिए सीरियस है। दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं। इन दोनों की प्लानिंग है कि दोनों शादी कर लें, बेटा तो ऑलरेडी इनका पैदा हो ही चुका है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेबेस्टियन ने रोलैंड से नहीं बल्कि वॉली से दोस्ती बढ़ा ली है। दोनों अक्सर साथ में जू घूमने जाते हैं, रोड पर वॉक करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इन सब बातों को कैसी भी नोटिस करती है, पर कैसी इस बात से अनजान है कि ये बच्चा वास्तव में वॉली का ही है। एक शाम पार्टी में रोलैंड कैसी को प्रपोज करने जा रहा है। इतने में यहाँ वॉली आता है। वो कैसी को रोकते हुए कहता है कि उसे कुछ सच बताना है। वो यहाँ बड़ा सा बम फोड़ता है। वो बताता है कि 7 साल पहले उसने अपने स्पर्म को रिप्लेस कर दिया था। ये जानकर कैसी बड़ी नाराज़ होती है, वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इस तरह कैसी ने वॉली से अपनी दोस्ती भी ख़त्म कर ली है। वॉली का अब अक्सर का काम है ऑफिस जाना और घर आना। कैसी ने ऑलरेडी सेबेस्टियन को वॉली से मिलने से मना कर दिया है। सेबेस्टियन भी अब उदास रहता है। इन सब में कुछ हफ्ते बीतते हैं।
एक शाम जब वॉली अपने ऑफिस से निकल रहा है तब वो कैसी को दिखता है। कैसी यहाँ वॉली से अपने के की माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन उसे बहुत मिस करता है और साथ ही वो भी उसे मिस करती है। वॉली पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस तरह कैसी ने यह शादी के लिए हाँ कर दिया है और इन दोनों के रियूनाइट होने के साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है।